ये पाकिस्तान 63 इयर्स अगो हिस्सा था ऑफ द ऑफ इंडिया. हमारी एक तारीख है इंडस वैली सिविलाइजेशन से वाबस्ता एज साउथ एशियंस. हमारी एक तारीख है बहसीत मुसलमान, लेकिन लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा और भी लोग रहते हैं और भी मजहब रहते हैं. ठीक है, हमारी पाकिस्तान बना क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा था. क्या हम भी उस तरह के मुल्क बनेंगे कि हम अपने माइनॉरिटीज से सही सलूक नहीं करेंगे? यही तो सारी एक सवाल ये है. नहीं, पहले दूसरा, दूसरा, एक सवाल ये, दूसरा सवाल साथ ही दोनों जवाब दे दीजिएगा. लाइव कॉलर बेचारा तड़प रहा है फोन पे. नहीं नहीं, अभी मैंने कोई कॉल नहीं किया. होल्ड करना. दूसरा मेरा सवाल ये कि व्हाट अबाउट आवर हेरिटेज? आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. हमने जियाउल हक के जमाने में देखा कि इस्लाम के एक झूठा सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा बना शुरू किया गया इस्लाम के नाम पे, जिससे हमारे तारीख, हमारे जो हमारे यहाँ की अदब, कल्चर, रक्स, हर इंस्टीट्यूशन तबाह बर्बाद कर दिया गया. व्हाई डू यू थिंक नादिया आई एम द वे आई एम एंड आई एम सपोर्टिंग जैद हामिद? बिकॉज ही डजंट स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग. ही सेज आवर कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इन द वर्ल्ड. देर आर सर्टन बाउंड्रीज. यार, नंगे होना, एंड बाय द वे जो पहले भी कॉलर आए थे उन्होंने कहा था जी फैशन में जो नंगापन, मेरी आप आउटलेट्स पे जाएं, वहां पर माफिया में कुछ भी किसी भी लाइन में आपको कुछ नंगापन नहीं नजर आएगा. अब मैं फैशन शोज में भी अब मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो रही हूं कि मैंने कहीं पर कुछ भी रिवीलिंग चीज नहीं करनी. इट्स पार्ट ऑफ व्हाट माय एवोल्यूशन इज बिकमिंग. ओके, दैट डजंट मीन दैट राइट नाउ व्हाट आई एम वेयरिंग, मैं जीन्स पहन के आई हूं, टॉप पहन के आई हूं, लेकिन सब कुछ कवर्ड है. मेरी एक फैशन इज अबाउट यू नो सेलिब्रेटिंग लाइफ बट नॉट फॉरगेटिंग योर आइडेंटिटी, नॉट फॉरगेटिंग योर रिलीजन. मैं हमेशा से ये प्रमोट करती रही हूं. एंड बाय द वे, जैद हामिद हैज ऑलवेज सेड के मारिया व्हाट एवर यू डूइंग, देखें ये जो एक जाहरी होता है ना आपका कि जिस लोग बाहर देख के सब कुछ आपको जज कर लेते हैं, लोग अंदर, असल बात अंदर है. चाहे आपने बुरका पहना हो, चाहे आपकी यहां तक दाढ़ी हो, और अंदर आपके बिल्कुल कुछ और भरा हुआ है, नथिंग, ये आपके कुछ काम नहीं आएगा. आई वांट द सेम प्लेटफॉर्म एज यू. आई एग्री विद यू. सो आई एम फॉर दैट. एंड नंबर टू, देखो जो तुम बात कर रही थी कि हेट मॉन्गरिंग, आई थिंक देयर इज अ मैसिव लॉबी दैट स्पीकिंग अगेंस्ट दैट सब ऑन दिस हेट मॉन्गरिंग. आई नो हिम पर्सनली, आई वर्क विद हिम फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, एंड ही इज अ फकीर हु टीचेस लव. आई डिडंट हियर एनी लव. देखो, ही वाज वेरी एंग्री. नादिया, तुमने वो जलाली शो उनका देखा होगा ना, एक हर एक में एक जलाली मोड होता है. जब मैं गुस्से में कुछ बोल रही हूँ, आई एम जस्ट लाइक यू नो व्हाट, टुडे 100 पीपल डाइड एंड आई एम गोइंग टू बी किलिंग, यू नो व्हाट एवर, आई एम गोइंग टू बी इस तरह की मैं बात करूं. लेकिन इवेंचुअली मैं एक बात आपको कहूंगी, नो बिफोर आई गो टू दैट थिंग, कि दिस मूवमेंट इज अबाउट टॉलरेंस, इट्स अबाउट लव, अबाउट प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी. देन यू शुड बी इट्स स्पोक्स पर्सन, नॉट जस्ट हामिद. फहद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी फहद, अस्सलाम वालेकुम. मैं अभी मारिया की जो बात सुन रहा था, मैं ये कहूंगा कि जब इन्होंने वेकअप पाकिस्तान की जो ये सारी मूवमेंट ने शुरू की, मैं बहुत, क्योंकि मैं खुद यूथ में हूं, तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस सब चीज को लेके. अच्छा, बट मतलब, जब मैंने उनकी वो देखी कुछ चीजें, मतलब मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि क्या हमारी हुब्बुल वतनी यही है कि हम सिर्फ इंडिया को बुरा भला कहें? क्या हम अब अच्छा, आपने खुद सुना है बात, क्योंकि ये कह रही है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपने वेकअप पाकिस्तान की सीरीज अभी स्टार्ट हुई है. बाय द वे फहद, ये आई कैन से इट, बट एआरवाई न्यूज पे ये एयर हो रही है. इस टाइम पे रहे यहाँ पर आपने जो वेकअप का प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट अबाउट वन मैन, इट्स अबाउट एन आइडियोलॉजी. आई एम अ फेस ऑफ वेकअप पाकिस्तान. हामिद इज वन फेस. फहद, अपना सवाल मुकम्मल कर ले, क्योंकि देन वी हैव टू कट टू ब्रेक, और फिर मारिया से हम जवाब. मैं अपना सवाल ही पूरा करना चाहूंगा कि जब मुझे ये सारा सिचुएशन पता चली, उसको लीड वही कर रहे थे, तो मैं उनसे काफी इंस्पायर हुआ और मैंने जाके उनको सर्च करना शुरू किया. बट कुछ देर बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये अब हमारी नेशन को, क्योंकि हम जो भुगत रहे हैं, जो हम दहशतगर्दी से भुगत रहे हैं, वो उसी जो हमने नफरत आज से कुछ 20 साल पहले फैलाना शुरू की थी अबाउट रिलीजन को लेकर, चीजों को लेकर, वो अब फिर दोबारा फैलाई जा रही है. तो मुझे ये कि पाकिस्तान को खुदा के लिए बचाइए नफरत से. अब हमें अपने आप को सही करना है पहले, उसके बाद हमें आगे जाना है. हम अब ये सबसे बहुत ईजी होता है कि आप दूसरों में ब्लेम करके अपने आप को बचा लेते हैं कि नहीं उसने हमारे साथ बुरा किया, उसने बुरा किया, लेकिन हम सबसे ज्यादा खुद अपने साथ बुरा कर रहे हैं. हमें ये अवेयरनेस देनी. तो मैं कहूंगा मारिया, प्लीज आप आइकॉन है हमारी यूथ का भी, और आप ऐसी कोई चीज करें कि अपने लोगों को बताएं कि उनमें क्या खराबी है. हमें पहले अपने आप को ठीक करना होगा, फिर कहीं हम स्टैंड कर सकेंगे वर्ल्ड में आगे जाके और दुनिया को दिखा सकेंगे हम कोई नेशन है. डम डम डीगा मेरे कान में आ चुका है. ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे.
ڈاکٹر نہیں رہے جی ماریب آپ کھل کے جواب دیجیے فہد کو ہمارے جو کالر تھے انہوں نے بات کی دیکھیے فہد ویک اپ پاکستان از اباؤٹ این آئیڈیالوجی اٹس این آئیڈیالوجی دیٹ یو ہیو ٹو ریوائو دا آئیڈیالوجی آف پاکستان تھنک آف ہو یو آر واٹ یور آئیڈینٹی ایز اے پاکستانی اینڈ اے مسلم از اٹس اباؤٹ ٹالرنس ایکسیپٹیبلٹی از اے مسلم پاکستان میں غیر مسلمان بھی تو رہتے ہیں مسلمان دیکھو ہم لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ واقعی نو میٹر واٹ پیپل سے پاکستان واز فارمڈ فار اے اسپیسیفک پرپز بائی قائد اعظم بیکاز سارے مسلمان یہاں پر آئے تھے پاکستان واز فارمڈ ٹو اسکیپ اپریشن you may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business there of is, state our Hindus flag will cease to be Hindus white and Muslims will cease to be Hindus listen to me in every sense. Islamic state minorities have the most protection nobody can touch a minority Nobody can go and touch that Hindu and say لیکن ہمارے جو مائنورٹیز آتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں مائنورٹی بلائے مت یار ایک تو ہمیں آپ بے شک غیر مسلمان بلا لیں لیکن ہمیں مائنورٹی نہ بلائے ہم پاکستانی ہیں پاکستان دیر آل پاکستانی اینڈ اٹس آر یو نو اٹس ناٹ اونلی آر ریسپانسبلٹی اٹس آر ریلیجیس ریسپانسبلٹی ٹو لو دم ٹو پروٹیکٹ دم ٹو ٹیک کیئر آف دم اینڈ یو ریسپیکٹ دم فار وٹ دیئر تھنگز آر So this is number one. If some people think that being religious and Islamic means that you're just going to know those that Hindu can be a better person than you and higher in the scale of Allah than any one of those Muslims who are going around beating people up. So ye bilkul bhi mujhe koi na kehiye just because you Muslims you think you are superior, bilkul. Nobody is. That is not a criteria. Number two, sab ye kehte hain ke ji hate mongering and ye wo. Wake Up Pakistan is about working with what we have in common. What we have in common is that our goal is the same, that we want to build Pakistan. Bilkul. We want to love Pakistan. We want to be proud of our country. We want to serve the people who are less blessed than us in this country. Yeh humari ideology hai. Hum log iske liye bahut passionate hain. Ek 20 saal ke bachche se lekar, our youngest member is 14 years old. On to me, on to Zaid sahab. Hum sab ki, dekho, انڈیویجلی آپ میں بالکل سیم نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ سپوز تحریک انصاف از جوائنڈ اس میں آپ کو بتا رہی ہوں وی آر ورکنگ ٹوگیدر ہماری بہت ڈفرینسز آف اوپین ان سرٹن ایسپیکٹس ہیں لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارا ایک گول سملر نہیں ہے ہمارا ایک گول واقعی سیم ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اینڈ سب سے ضروری بات ہم جب ساتھ ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے حجاب میں ایک نقاب میں ایک میں بیٹھی ہوتی ہوں ایک فیحہ جمشید بیٹھی ہوتی ہے اینڈ وی ریسپیکٹ ایچ ادر We don't point fingers and say, oh, I'm better than you. بالکل ٹھیک بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو ساری بات ہے نا کہ ہیٹ مانگرنگ اٹس لائز آپ ہماری شوز دیکھیں اینڈ یو سی واٹ ویک اپ پاکستان شفق کراچی سے فون کر رہی ہیں جی شفق